What is up everyone, this is me Jazz and welcome to my channel Jazz Live. So English हुई काफी, अब वापस आ जाते हैं अपनी हिंदी पे. So guys, finally आज मैंने इस चैनल पे कंप्लीट कर लिए हैं 4000 आवर्स का वॉच टाइम. 1000 सब्सक्राइबर्स तो पहले ही मेरे पूरे हो गए थे, लेकिन अब फाइनली जो थ्रेशोल्ड होता है मोनेटाइजेशन के लिए वो होता है 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 आवर्स का वॉच टाइम. सो फाइनली वो आज पूरा हो चुका है. मैंने जब ये चैनल स्टार्ट किया था लास्ट ईयर, तो मैंने नहीं सोचा था कि ये चैनल मोनेटाइज होगा, बिकॉज इस चैनल पे मैं एक्टिव नहीं था. बट अभी कुछ 3-4 महीने पहले से मैं इस चैनल पे एक्टिव रहने लगा, एंड फाइनली आप लोगों की मदद से, आप लोगों की हेल्प से, आप लोगों के सपोर्ट से 4000 आवर्स का वॉच टाइम कंप्लीट हो गया मेरे चैनल पे. सो यहाँ पे आज मैं आपको बताऊंगा मोनेटाइजेशन के लिए क्या क्या चीजें आपको करनी चाहिए. मतलब अभी जो मेरा चैनल है, मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई अभी नहीं करा है. क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो गया है, लेकिन वहां पे अप्लाई नाउ का बटन आता है. सो वो हमारे को वहां पे अप्लाई करना पड़ेगा. बट उससे पहले कुछ चीजें हैं चैनल पे जो एक बारी रिव्यू कर लेनी चाहिए. सो मैंने सोचा क्यों ना ये मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको बताऊं कि मोनेटाइजेशन में आपको जो मोनेटाइजेशन है उसमें अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है. क्राइटेरिया फुलफिल करना है, लेकिन क्या क्या चैनल पे चेक करना है. सो अगर ये मैं अप्लाई करूंगा, अगर ये सक्सेसफुल हो गया, कि मेरा अप्रूव हो गया, सो वीडियो आ जाएगी. एंड अगर नहीं होता है अप्रूव, सो ये वीडियो आएगी कि कैसे मेरा जो YouTube का मोनेटाइजेशन है वो मेरा रिजेक्ट हो गया. सो किसी ना किसी तरीके से वीडियो तो बनी जाएगी. सो अब कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं एंड वहां पे मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या हमें देखना है अपने चैनल पे. सो गाइज, ये है कंप्यूटर स्क्रीन, आपको दिख रही है पूरी. सो यहाँ पे अब ये मेरा YouTube चैनल है. अपने एक बारी YouTube स्टूडियो पे चलते हैं. सो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो है 1402 सब्सक्राइबर्स. एंड यहाँ पे वॉच टाइम अगर मैं आपको दिखाऊं, सो यहाँ पे आते हैं मोनेटाइजेशन के सेक्शन में. सो यहाँ पे आप देख सकते हो 1400 सब्सक्राइबर्स एंड 14 आवर्स का वॉच टाइम कंप्लीट हो चुका है. एंड यहां पे आ चुका है अप्लाई नाउ. बट उससे पहले हमें क्या करना होगा, एक बारी चलते हैं सबसे पहले प्लेलिस्ट पे. सो यहां पे स्मार्ट लाइट एक प्लेलिस्ट है, इंफॉर्मेटिव, शॉर्ट्स, अनबॉक्सिंग वीडियोस, व्लॉग्स. सो हमें क्या करना है, ये जो प्लेलिस्ट है इसको हमें डिलीट करना होगा. मतलब वीडियोस डिलीट नहीं करूंगा मैं, सिर्फ प्लेलिस्ट डिलीट करूंगा. तो यहां से जाके डिलीट प्लेलिस्ट. सो यहां से ये हो गई है मेरी प्लेलिस्ट डिलीट. एक बारी यूट्यूब स्टूडियो पे आते हैं. सो यहां पे अब आपको लगेगा कि वॉच टाइम हमारा कम हो गया. नहीं, हमारी जो वीडियोस हैं वो पूरी उतनी की उतनी ही हैं. मैं आपको दिखाता हूं व्लॉग वाली 2-3 वीडियोस अगर इसमें मिल जाए तो. सो जैसे कि आप यहां पे देख सकते हो ये मेरा एक ब्लॉग 1 यहां पे है. सो वीडियोस डिलीट नहीं हुई है, सिर्फ प्लेलिस्ट मैंने डिलीट करी है. बिकॉज मिक्स कंटेंट होगा, सो शायद मोनेटाइजेशन के लिए अप्रूव ना हो. बट यहां पे थोड़ी बहुत चीजें चलती हैं. अब यहां पे और आते हैं अपनी फिर से प्लेलिस्ट पे. सो यहां पे हमारे पास है गेमिंग. सो गेमिंग एक टोटली डिफरेंट हमारा एक कैटेगरी हो गई. सो हमें क्या करना है, यहां पे 2 ही गेम प्ले की वीडियो है, ज्यादा मैंने नहीं डाली थी. सो इतना फर्क नहीं पड़ता है. एंड यहां पे जो व्यूज है वो भी ज्यादा नहीं है. सो मैं क्या करूंगा, इस प्लेलिस्ट को भी कर दूंगा डिलीट. सो ये प्लेलिस्ट भी हमारी डिलीट हो गई. हमारे पास वीडियोस अभी भी हैं, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है. सो अब क्या है, हमारे चैनल पे एक बारी मैं रिफ्रेश करता हूं. सो आप देख सकते हो यहां पे थोड़े बहुत जो वीडियोस हैं वो है यहां पे, प्लेलिस्ट है वो है यहां पे. सो अब मुझे क्या करना है, अब मैं यहां पे जाके मोनेटाइजेशन के सेक्शन पे जाके यहां पे अप्लाई कर सकता हूं. अगर मैं यहां पे एक बारी रिफ्रेश करूं तब भी ये इतना ही रहेगा, बिकॉज हमने कोई भी वीडियो डिलीट नहीं करी है. वीडियो डिलीट करता तो मेरा जो वॉच आवर है, वॉच टाइम है, वो कम होता, लेकिन मैंने वीडियोस डिलीट नहीं करी है बिकॉज इतनी कोई मेरी अलग अलग वीडियोस नहीं थी. सो अब मैं सीधा यहां से जाके अप्लाई नाउ पे कर देता हूं क्लिक. सो गाइज, यहां पे जो हमारा सेकेंड स्टेप है वो भी कंप्लीट हो चुका है. अब थर्ड स्टेप है जो कि है गेट रिव्यूड. सो यहां पे ये अभी प्रोग्रेस में है, आगे वीडियो कंटिन्यू करूंगा, देखते हैं क्या होता है, रिजेक्ट या फिर अप्रूव, उसके बाद इस वीडियो को मैं करूंगा कंटिन्यू. एंड यहां पे मैं आपको डेट भी दिखा देता हूं. सो अभी जो डेट है वो आप देख सकते हो 11th December, और यहां पे टाइम हो रहा है 11:22 सुबह के.
सो यहाँ पे अब नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करूंगा, सो मैं आपको टाइम और डेट भी दिखाऊंगा वहां पे। सो गाइस अभी टाइम हो रहा है रात के 8:30 बजे एंड मैंने ये क्लिप शूट करी थी मॉर्निंग में, जैसा कि आपको मैंने टाइम भी बताया था, दिखाया भी था स्क्रीन पे। मुझे नहीं लग रहा था, बिल्कुल मेरे को आइडिया नहीं था कि मतलब 6-7 घंटे तो नहीं, मतलब 12 घंटे से भी कम में मेरे को मोनेटाइजेशन मेरा अप्रूव हो जाएगा। सो फाइनली मेरे पास जो है वो यहाँ पे ईमेल आ चुकी है, मेरा जो अप्रूवल है वो हो चुका है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, मतलब अब मैं इतना अटकूंगा ना, मतलब इतना एक्साइटेड हूँ मैं ये आपको बताता हूँ, बिकॉज जो मेरा फर्स्ट चैनल है अभी भी है एंड उस पर जब मोनेटाइजेशन एनेबल हुई थी सो वो ऑटोमेटिकली थी, तब ये वाला क्राइटेरिया नहीं था। सो मुझे नहीं पता कि कैसे 4000 घंटे के लिए लोग मेहनत करते हैं, मैं तो सिर्फ मेहनत करता रहता था। लेकिन हाँ, इस चैनल पे मैंने थोड़ी सी मेहनत करी थी एंड एक चैनल और है उस पर भी मेहनत कर रहा हूँ। सो फाइनली आज ये जो क्राइटेरिया है इसको फुलफिल करने के बाद मेरा जो मोनेटाइजेशन है वो एनेबल हुआ है एंड काफ़ी ज़्यादा यार मतलब अच्छा लगता है, खुद ही मोटिवेट होते हैं यार कि हाँ हमने 4000 घंटे कंप्लीट कर लिए। सो अब कंप्यूटर स्क्रीन पे चलता हूँ एंड वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि क्या ईमेल आया है मेरे पास। सो ये कर लिया मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन एंड आप देख सकते हो टाइम अभी 8:30 बजा है, मतलब 8:28 हो रहा है एंड 7 मिनट्स अगो अभी मतलब मेरे को ये ईमेल रिसीव हुई है। सीधा मैंने कैमरा सेट करा, मैंने कहा वीडियो बनानी है, पहले तो वीडियो को कंटिन्यू करना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर यूट्यूब चैनल जैज लाइफ हैज बीन एक्सेप्टेड इनटू द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम एंड इज नाउ एबल टू मोनेटाइज ऑन यूट्यूब फाइनली। थैंक्स टू यू गाइज, आप लोगों ने जो सपोर्ट किया, आप लोगों ने जो इतना ये 4000 घंटे का वॉच टाइम जो है वो पूरा करवाया, 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे करवाए, थैंक यू सो मच गाइज। सो यहाँ पे अब चलते हैं यूट्यूब चैनल पे, सो जल्दी से यूट्यूब चैनल को करते हैं ओपन। सो यहाँ पे चलते हैं यूट्यूब स्टूडियो पे। सो आप ऊपर देख सकते हो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन एक्सेप्टेड इनटू द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, यू कैन मोनेटाइज योर वीडियोस एंड एक्सेस सपोर्ट फाइनली। सो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, मोनेटाइज वीडियोस पे करना है क्लिक। सो चलो भाई अब जो वीडियोस हैं उसको तो मोनेटाइज कर दे। सो मोनेटाइज ऑल वीडियोस नाउ एंड यहाँ पे क्लिक कर दिया है मोनेटाइज ऑल वीडियोस नाउ पे और उसके बाद अप्लाई प्रेफरेंसेस। सो आप देख सकते हो काफी ज्यादा जगह तो मेरे पास क्लेम्स भी आए हैं बट काफी सारी जगह क्लेम्स नहीं आए हैं। सो उन वीडियोस को मोनेटाइज करने में मजा आएगा एंड जैसे भी है और भी अब इस चैनल पे मैं एक्टिव रहूंगा बिकॉज लोग मोनेटाइजेशन के लिए यार इतनी मेहनत करते हैं, मतलब सालों लग जाते हैं उन्हें, 1-2 साल लग जाते हैं, मेरे को भी वैसे 1 साल लग गया है, तो तब जाके उनका वो क्राइटेरिया फुलफिल होता है एंड अगर मेरे पास ये चीज़ आ गई है सो अब तो भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, यूट्यूब पार्टनर्स प्रोग्राम में आ गए हैं, मोनेटाइजेशन एनेबल हो गई है। ये नहीं कि पैसा कमाना है, वो तो एक सेकेंडरी चीज़ है, फर्स्ट ये चीज़ है कि यार मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, हाँ यार कुछ काम किया है, जब इतना करा है और इतनी चीज़ मिल गई है सो और करेंगे मेहनत तो और ज़्यादा अच्छी चीज़ मिलेगी। फाइनली मोनेटाइज कर लिया चैनल, यार बहुत खुशी हो रही है मुझे, थैंक यू आप लोगों की वजह से ये हुआ है। काफ़ी सारी व्लॉग्स वीडियोस काफ़ी सारी अब तो भाई इस चैनल पे लेके आऊँगा। सो गाइस इतना खुश हूँ मैं, अब इस वीडियो को कर दो जल्दी से लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो। एंड यहाँ पे ये जो चैनल है ये मैंने मतलब अप्रोक्सीमेटली 10 घंटे में मैंने ये मोनेटाइज करा है, 10 घंटे में, एक दिन से भी कम में, 12 घंटे से भी कम में। सो बहुत सारी जो मेरी YouTube की जर्नी है, जिस टाइप से मैंने YouTube को समझा है, काफी सारी चीजें मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ आगे शेयर करने वाला हूँ। सो अगर इंटरेस्टेड हो तो भाई सब्सक्राइब करने के साथ वो बेल आइकन का जो होता है ना, जो बेल आइकन होता है उसको दबा देना। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।